हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की कल की रणनीति के ऊपर। बातचीत करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणनीति बनाई थी, पहले उसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो देख लें आज जन्मदिन किसका है। आज किसी का जन्मदिन नहीं है, कल होगा। कल यतीन जैन जी का बर्थडे है। बाय द वे, आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पूरे साल भर में, अभी अगस्त चल रहा है, मैंने यूट्यूब चैनल अक्टूबर से स्टार्ट किया था, अक्टूबर से अभी तक अगर कोई मुझसे कुछ कहने सुनने में आया है, जाने या अनजाने में, कई बातें ऐसी होती हैं जो जाने या अनजाने में हो जाती हैं। गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं और मैं काफ़ी गलतियों को जानता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनमें इम्प्रूवमेंट करता चला जाऊँ। अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कल हम लोगों का क्षमा याचना का दिन था, जिसमें हम कहते हैं मिच्छामि दुक्कड़म, क्षमा याचना। तो अगर ऐसी कोई गलती मुझसे जाने या अनजाने में हो गई है तो अपना प्यार बनाए रखिए और उसे माफ़ कर दीजिए। मैं आप लोगों से क्षमाता हूँ कहते हैं हम लोग क्षमा याचना को। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। बात करता हूँ कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए थे, क्या हाई लगा, क्या लो लगा, कल के लिए क्या लेवल्स नज़र आ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हमारे होल्ड पे हैं और कौन से स्टॉक्स में रणनीति बन के आ रही है। आज निफ्टी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लिए थे 11485। आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 11516 का। सपोर्ट लेवल में सपोर्ट लिया था 11333 का। आज इसका लो पोस्ट हुआ है 11410 का। गैप अप ओपन हुआ बाजार और वहां से 70-80 पॉइंट की रिकवरी दिखाया है। 11480 के आसपास की इसकी क्लोजिंग हुई है। इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 11395 11300 कल के लिए, यानी कि 25 तारीख के लिए। 11300 का पहला सपोर्ट, 11395 का दूसरा, पहला 395 का, दूसरा 300 का सपोर्ट। अच्छा, इसका मैजिकल फिगर बन के आ रहा है 11333। तो तीन सपोर्ट हो जाएंगे आप लोगों को। मैजिकल फिगर हमारे ऐसे फिगर होते हैं जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा, जिसके ऊपर चलने पर बाजार होता है तेज। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 11554 और 11585। ये हमारे दो रेजिस्टेंस होंगे कल के बाजार के लिए। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, स्टॉक्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। अभी बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है। स्टॉक्स जैसे रिलायंस हो गया, SBI बैंक हो गया, ये सब फंसे हुए हैं एक दायरे में, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये अगर बढ़ना चालू कर देंगे तो इंडेक्स और अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। कल के लिए जो अभी एक्सपायरी वीक भी है, ये थर्सडे को, अभी तक जितने भी अगस्त वायदे के फ्यूचर एंड ऑप्शंस चल रहे हैं, सब का देहांत हो जाएगा। फिर नए कॉन्ट्रैक्ट में काम का चालू हो जाएगा, जो कि होगा सेप्टेम्बर का। बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के आज के सपोर्ट लिए थे 22115 का। रेजिस्टेंस लिया था 22505 का। इसका लो पोस्ट हुआ है 22327 का। हाई पोस्ट हुआ है 22944 का। दूसरा रेजिस्टेंस लिया था 22740 का। आप लोगों को दो ही फिगर स्क्रीन पे दिखते हैं। मैंने आपको 22975 के आसपास, 50 के आसपास कभी, या फिर 25 के आसपास का एक फिगर बोला था। 22944 का इसका हाई पोस्ट हुआ है। कल के लिए इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए 22660 22550। रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं 23130 और 23525। इसका मैजिकल फिगर बन के आ रहा है 22292। तो आप लोगों के पास तीन सपोर्ट हो जाएंगे, 22660 22550 और 22292। तो जब तक ये मैजिकल फिगर के ऊपर चल रहा है बाजार, तब तक इसमें तेजी के संकेत हमको मिलते हैं, कि हमको पता चल जाता है कि हमको तेजी के डायरेक्शन में रहना है या फिर तेजी है बाजार में। कोई करेक्शन आता है तो मैजिकल फिगर तक आ सकता है बाजार। बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की। आज के लिए कौन से स्टॉक्स रिकमेंड किए थे। HDFC बैंक को बाय करने कहा था 1076 के आसपास, 1085 का लो पोस्ट किया है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। अल्ट्रा सेमको को बाय करने कहा था 4131 के आसपास, 4170 का लो पोस्ट किया है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। तीसरा ICICI बैंक को 36850 के आसपास बाय करने कहा था, 37385 का लो पोस्ट किया है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। आईबुल को 202.50 के आसपास बाय करना था, 198.40 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 212 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। आईबुल का जो आज हाई पोस्ट हुआ है 210 का, हाई पोस्ट हुआ है 201.10 का, लो पोस्ट हुआ है 202.40 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। आईबुल में एग्जीक्यूशन हो पाया और ये हमारी होल्डिंग पे रखा है। इसके पहले हमारे पास कौन से स्टॉक्स थे।
फ्राइडे को हमारा रिलायंस बाय हुआ था 2077 के आसपास, 2070 2077 78 की रेंज दी थी, आज 2070 का ही लो पोस्ट किया है, 2104 के आसपास इसका प्रॉफिट बुक करवा दिया है। अगर आप में से कोई मेरा वीडियो देखकर कहीं कोई एग्जीक्यूशन करता है तो आप लोग आज जो जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप लोगों की और मेरे बीच की कनेक्टिविटी पब्लिक टेलीग्राम है। जिस तरह से रिलायंस का टारगेट हम लोग 2145 का लेके चल रहे थे, 2104 के आसपास उसका प्रॉफिट बुक कर लिया है, पब्लिक टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया था। तो आप लोग जो लोग नए हैं या फिर जो लोग चैनल देखने के बावजूद भी टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो कृपया करके टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए ताकि आपकी और मेरे बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे। कल के लिए कौन से स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं उसकी बातचीत करते हैं। तो अभी हमारे पास आईबुल और रिलायंस में प्रॉफिट बुक हो गया और तीसरा एक स्टॉक पड़ा हुआ है इन्फोसिस। इन्फोसिस और आईबुल की होल्डिंग है, बाकी कोई हमारे पास होल्डिंग नहीं है। हम अपने कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से अपने टोटल 4 कॉल एग्जीक्यूट करते हैं, सारे कॉल NSE कैश में होते हैं और सिर्फ एंड इंडेक्स के कॉल्स को ही ट्रैक करते हैं जो कि हमारे होते हैं सारे ब्लू चिप। कल बाय करेंगे कोटक बैंक को, एक 1362 1366 के आसपास मिले तो बाय करेंगे, 1346 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1400 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा स्टॉक होगा हमारा टाइटन। टाइटन अगर 1149 से 1153 के आसपास मिले तो सेल करेंगे, 1173.10 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1018 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तीसरा स्टॉक होगा हमारा टाइटन। टाइटन को बाय करेंगे 1000, यानी अगर टाइटन सेल की रेंज में पहले नहीं आता है, अगर पहले बाय की रेंज में आ जाता है तो 1193 1198 की रेंज में बाय करेंगे, 1079 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1133 के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। चौथा कॉल होगा हमारे LNT में। LNT को बाय करेंगे 973 976 के आसपास, 964 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, टारगेट 1000 के। तो ये होंगे हमारे कल के लिए 4 स्टॉक, 3 बाय के 1 सेल का। टाइटन के ही 2 कॉल हैं, 1 बाय का 1 सेल का। तो ये होंगे हमारे कल के लिए 4 कॉल। 2 कॉल होल्डिंग पे हैं, हम हैं कायदे में, 0% लीवरेज, 0% ओवर ट्रेडिंग, 0% स्पेकुलेशन पे काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी मेरे द्वारा भी बताए हुए कॉल्स को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए ताकि आपके और मेरे बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म होता है, आप चाहें तो उसे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरे बताए हुए रणनीतियों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।